जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बाबा जी की प्रभु जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने दो तीन महीने में मैं ज्यादा कॉल भी नहीं किया कुछ भी, और व्हाट्सएप पे भी सिंपल आपने कोई भी आंसर नहीं किया अभी तक, है ना। क्योंकि आपने सिर्फ एक ही मैसेज किया है कि मेरा उसमें कॉल सेंटर में नंबर डाल देना, तेलुगु हिंदी है, बाकी आपका कोई मैसेज मेरे पास नहीं आया, ना ही कोई कॉल आया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने ना अपना टाइम खराब किया ना हमारा टाइम खराब किया, वो कीमती समय बाकी यात्रियों को दे पाए, है ना जी। अब ये है कि जैसे कि आपको पता था, मैं कह रहा लास्ट टाइम हम एक बार बात करेंगे सभी यात्रियों से। हाँ जी भैया, देखा तो ये वही कॉल है भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से। तो आपकी यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है? पूरी हो चुकी है, अभी वॉकिंग पे ही हूँ अभी मैं। अरे वाह, सब लोग वॉकिंग कर रहे हैं मेरे अलावा। कल से मुझे भी भागना पड़ेगा, मेरे पास थोड़ा टाइम कम था यार, अभी दिल्ली गया था, भंडारा पैक करने से टाइम मिल नहीं पा रहा मुझे ना, पर कोशिश कर रहा हूँ कल से मैं भी शुरू करूँ। अच्छा, वॉकिंग कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी सुबह शाम में चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि हमने टेंट के लिए कहा था ना कि पहलगांव में और बाबा जी गुफा पर टेंट बुक करेंगे, तो आपका टेंट बुक करना है या आप खुद करेंगे? आप ही बुक कर दीजिएगा। अच्छा, मैं ही बुक कर दूंगा, ठीक है। और जो भंडारे की मैंने आपकी बस की पेमेंट के साथ में 251 रुपए लिए थे, वो भंडारे में डालने हैं या आप डोनेशन अपनी खुद डालेंगे? नहीं नहीं, आप ही डाल दीजिए भैया, पूरा आपके हाथ में ही है, मैं कुछ भी नहीं है। फिर भी मेरा पूछना फर्ज बनता है, क्योंकि मैंने कहा था ना, तो यात्री ये ना सोचे कि जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है कि टेंट भी यही बुक करेंगे, तो जो खुद करना चाहे वो खुद भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी भैया, बाकी यात्रा की तैयारी आपकी प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है जी, पैकिंग भी हो गई, पूरी रेडी हूँ मैं। आप हमें कहाँ मिलेंगे? मैं दिल्ली में मिलूंगा मैं। अच्छा, 2 तारीख को हमारा स्टे कहाँ रहेगा, पहला स्टे 2 तारीख को? जी 2 तारीख को हमारा पहला स्टे कहाँ रहेगा? शेष नाग पे होगा। बहुत बढ़िया। 3 तारीख को? 3 तारीख क्या नाम याद नहीं आ रहा, 5 तारीख जी जी, 5 तारीख। और 4 तारीख को बाबा जी गुफा पे दर्शन। अच्छा, अक्सर हमें सुबह रोज कितने बजे उठ के यात्रा शुरू करनी है? 5 बजे, और जल्दी हुआ तो उससे बढ़िया। हाँ हाँ, 4 से 5 के बीच में उठ के यात्रा शुरू करनी है जी भैया, ठीक है। यात्रा में चलते समय हमें पहाड़ के किस पर चलना है? जी जी, यात्रा जब करेंगे हम तो पहाड़ के राइट चलेंगे या लेफ्ट चलेंगे? मैक्सिमम तो लेफ्ट तरफ ही चलना चाहिए, क्योंकि राइट तरफ के वो ढलान होती है ना। हाँ, खाई होती है, तो हमें पहाड़ से चिपक के चलना है हर हाल में, ठीक है। खाने में कौन सी ऐसी चीजें जो ज्यादा नहीं खानी है? ज्यादा ऑयल फूड नहीं लेने चाहिए, अगर डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है बोलो तो राइस भी खा सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, राइस एक्चुअली नहीं, राइस के साथ राइस का जो प्रॉब्लम है वो शेष नाग जी में, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है, डाइजेस्ट नहीं होता है राइस में जल्दी से। हाँ, ठंड के मारे, बाकी राइस का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी बहुत हैवी फूड नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, चलते रहना है जी भैया। और वॉशरूम टाइम टाइम पे जहाँ जगह मिले वहाँ फ्रेश होके चलना, अपना मतलब हल्का होके चलना है, है ना। हाँ जी, ये हो गया। आपका जो छोटा बैग आपकी पीठ पे होगा उसमें क्या क्या सामान होगा आपका? मेरा रेगुलर रेनकोट होगा, छाता होगा, और टॉर्च लाइट होगा, और पॉलिथीन कवर्स होंगे 2-3, वो जोड़ी कपड़े के, और मेरा आई कार्ड। नहीं, आई कार्ड ठीक है, वो तो परमिट आपके गले में टांग देंगे। इसके अलावा आपका मोबाइल चार्जर वगैरह है ना, फोन वगैरह छोटा, और चॉकलेट या थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट भी होगा आपका ना जी, है ना, और एक पानी का बोतल। ठीक है जी भैया, ये हो गया। इसके अलावा कोई और जानना है आपको? वैसे आपको सारा पता ही है, कुछ और जानना है आपको? नहीं भैया, आप मैं तो पूरा अपडेट हूँ, 2 साल से वही काम में हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यात्रा में कोशिश कीजिएगा कि हमारे ग्रुप के साथ ही चलेगा, आगे पीछे मत भागिएगा। आपको बहुत सारे यात्री ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हम पहले यात्रा कर चुके हैं हमारे साथ, आप हमारे साथ भाग के चलो, आगे टेंट बुक कर लेंगे हम, इस बात की चिंता मत कीजिएगा, वो आपको बीच में छोड़ के चले जाएंगे। होता क्या है कि शुरू शुरू में तो आपका भी एनर्जी लेवल ठीक होगा, सबका ठीक होता है, लेकिन जब हम एक बार भागना शुरू करते हैं तो एनर्जी लेवल डाउन होता है, और एक बार अगर सांस फूल गई तो फिर यात्रा में चलना मुश्किल होता है। और ग्रुप के साथ क्या होता है कि ग्रुप में कुछ लोग आराम से चलने वाले भी होते हैं, धीरे भी, तो ग्रुप के साथ हम जल्दी कवर कर जाते हैं जी। और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए यात्रा का जो मैं बताऊं आपको, जब तक जरूरत ना हो घोड़ा मत कीजिए जी, हाँ। पैदल ही कीजिए, इतने बड़े तीर्थ पे जा रहे हैं, बार बार मौका नहीं मिलता है, पैदल हाँ। यात्रा करने का अलग ही अनुभव होता है जी। तो कोशिश कीजिए कि ग्रुप के साथ टिप टॉप, जैसे मैं सबसे धीरे चलता हूँ यात्रा में, हाँ। तो मेरे साथ चलिएगा जी, क्योंकि आप वॉक कर रहे हैं तो मुझे भी लेके चलिएगा साथ में, ठीक है ना। मैं वॉक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कल से वॉक शुरू करूँ, पर भोले बाबा जी का आशीर्वाद है कि मैं सेवा तो कर ही रहा हूँ कम से कम, तो बाबा जी अपने आप खींच लेंगे, इतना भरोसा है मुझे, दर्शन हो जाएगा। हाँ, तो आप साथ चलिएगा, अलग ही मजा आएगा, अलग ही मेमोरीज, क्योंकि जो यात्री ग्रुप के साथ चलेंगे उनकी वीडियो सब शूट होती है,
और फिर वो YouTube पे डालते हैं तो बाद में यादें भी बन जाती हैं। हाँ। और ग्रुप में सेवा करने का मौका मिलता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये कि अगर आपकी सारी तैयारी होगी या तैयारी करके आप हमें दिल्ली में मिलेंगे। हाँ मैं हैदराबाद से आता हूँ ना, 29th को मेरे यहाँ से ट्रेन है। अच्छा, तो 30th को वहाँ से वहाँ पहुँचूंगा मैं। ठीक है, और कोई परेशानी आपको? नहीं भैया पूरा रेडी हूं। बहुत बढ़िया, मिलते हैं फिर, है ना, यात्रा पे। फिर भी कोई दिक्कत हो पैकिंग करते समय, कोई जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करना। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।